सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार की पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी भंडार योजना की शुरुआत की है। सहकारिता केवल व्यवस्था नहीं है, सहकारिता एक भावना है। सहकारिता ये भावना है कि कई बार व्यवसायों और संसाधनों की सीमाओं से परे आश्चर्यजनक परिणाम देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सहकार जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य व्यवस्था को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल सकता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस दौरान सहकारी क्षेत्र की अन्य कई योजनाओं का भी उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और अब इसी सोच के साथ आज का एक कार्यक्रम हो रहा है। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। इसके तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। आज 18,000 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का बड़ा काम भी पूरा हुआ है। ये सभी काम देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को नया विस्तार देंगे, कृषि को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे। मैं आप सभी को इन महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम लाने वाले कार्यक्रमों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सहकारिता भारत के लिए बहुत प्राचीन व्यवस्था है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, अल्पा नाम अपि वस्तु नाम, अल्पा नाम अपि वस्तु नाम संहति ही कार्य साधिका, अर्थात छोटी छोटी वस्तुएं थोड़े थोड़े संसाधन भी सब साथ जोड़ दिए जाते हैं तो उनसे बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन ग्राम अर्थव्यवस्था में सहकार की यही स्वतंत्र स्फूर्त, स्वतः स्फूर्त
व्यवस्था काम करती रही है। सहकार ही हमारे आत्मनिर्भर समाज का आधार हुआ करती थी। सहकारिता केवल व्यवस्था नहीं है, सहकारिता एक भावना है, सहकारिता एक स्पिरिट है। सहकारिता के ये स्पिरिट कई बार व्यवस्थाओं और संसाधनों की सीमाओं से परे आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। सहकार जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य व्यवस्था को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल सकता है।